नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ लेकर। कोरोना महामारी के चलते बरेली नगर प्रशासन के अधिकारी और आमजन हैरान परेशान देखे जा रहे हैं। वहीं बरेली में एकाएक कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा होते ही एसडीएम बृजेंद्र रावत ने नगर हित में बड़ा फैसला लेते हुए और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रविवार को शाम 6 बजे नगर परिषद के वाहन से मुनादी करवाई की सोमवार रात 10 बजे से 4 अगस्त तक बरेली संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आई यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बरेली में दंपत्ति डॉक्टर और एक अन्य महिला डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 7 दिन तक बरेली संपूर्ण लॉकडाउन रहेगी और सोमवार को त्यौहार के मद्देनजर खरीदी करने के लिए बाजार खोलना अति आवश्यक था, इसलिए आज शहरवासियों को मौका दिया गया कि वह एक सप्ताह की खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं क्रय कर अपने अपने घरों में रख ले क्योंकि 7 दिन तक शहर में दवा, मेडिकल, दूध, डेयरी के अलावा कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आई बरेली 7 दिन तक लॉकडाउन रहेगा, यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई और सुबह होते ही बाजारों में सामग्री क्रय करने वालों की भीड़ एकत्रित होने लगी। सब्जी बाजार, कपड़ा दुकान के अलावा अन्य दुकानों पर उपभोक्ताओं के जमावड़े लगना प्रारंभ हो गए। आई एक सप्ताह तक की खाद्य सामग्री श्रावण के त्यौहार के लिए खास आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए सड़कों पर जनमानस अधिक संख्या में दिखाई दिया। आई शहरवासियों के अलावा ग्रामीण अंचल से भी ग्रामीणों का बाजार में पहुंचना सुबह से प्रारंभ हो गया था। लॉकडाउन के चलते सब्जी बाजार भी पूरी तरह बंद रहेगा, इसलिए लोगों ने 7 दिन की हरी सब्जियां भी लेकर रख ली। आई दूसरी ओर किराना व्यापारियों ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए का सामग्री के दाम बढ़ाकर का सामग्री का विक्रय किया। आई एसडीएम बृजेंद्र रावत ने बताया कि 7 दिन के लॉकडाउन में संक्रमण पर अगर रोक नहीं लगी तो लॉकडाउन का समय आगे भी बढ़ाया जाएगा। आई